एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी गाइस, हम अपने पहले व्लॉग के साथ, मैं अहमद और मैं हूँ साहिल अली, और हमारा ये पहला व्लॉग सफर से शुरू होता है। हम कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं और तकरीबन पहुँचने वाले हैं। बस अभी आधे घंटे में हम जो है स्टॉप पे पहुंच जाएंगे और वहां पे उतर के हम लोग जाएंगे सीधा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जहां पे हमारा कल डिनर का एहतमाम किया गया। आज आपका ये सफ़र कैसा गुजरा ये बताएं। मेरा सफ़र आपके साथ बहुत ज़बरदस्त गुजरा और इसमें बस ये था कि यहाँ की चाय मज़े की नहीं थी। चाय ने सारा मूड खराब कर दिया शुरू से लेके आखिर तक। हमने मुख्तलिफ किस्म की चाय पी, एक डबल पैक वाली भी थी और उसके अलावा टी बैग मिक्स वाली, पता नहीं कौन कौन सी किस्म की, लेकिन कोई भी चाय मजे की थी। थर्ड क्लास साद रफीक ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि ट्रेन को इम्प्रूव किया है। हम आपको ट्रेन दिखाते हैं और आगे जाके आप देखोगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, सबसे बेकार टीवी, जहाँ पे कोई भी सही तरीके से मूवी नहीं चल रही थी, एक ही मोमो वाला ड्रामा चल रहा था बोले, और थर्ड क्लास वही पुरानी किस्तें चल रही थी। मूवीज लगाई, उनमें से भी कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं थी जिसका सही से आवाज चल रहा हो। मूवी सही थी, हमारे लैपटॉप में तो सही चल रही होती थी, यहाँ पे इसका आवाज ही चेंगोंग रूपा कंपनी है। इस पे जो है क्या कहते हैं, एक रिव्यू डालेंगे यूट्यूब पे हम प्रॉपर तरीके से, ये कौन सा मॉडल है, ये मॉडल बिल्कुल फ्लॉप थर्ड क्लास मॉडल। वहाँ पे साहिल सोया था, स्ट्रेचर बना हुआ है, साहिल इस स्ट्रेचर पे सोया था, और जहाँ पे अभी साहिल बैठा हुआ है वहाँ पे मैं सोया हुआ था, और हमारा सफ़र तकरीबन अच्छा ही गुजरा। एक अच्छी बात हुई हमारे साथ। कौन सी? बारिश हो रही थी। हाँ, बारिश पूरे सफ़र में, बारिश जो है तकरीबन लाहौर से जब बारिश शुरू हुई थी तो लगभग इस्लामाबाद के करीब तक पूरी बारिश चल रही थी तकरीबन। आपने एंजॉय किया? मैंने एंजॉय किया, बस दिल कर रहा था। नहीं बस, हाँ दिल कर रहा था, शीशे में मतलब होता कोई हाथ बाहर करने का कोई सिस्टम, हाथ बाहर करने का मतलब तो, मतलब हाथ यहाँ से बाहर डाल के जो है ना बूंदे यहाँ पे हाथों में आती। तो आपकी गर्लफ्रेंड तो आपके साथ ही नहीं? आज 14 फेब था, 14th फेब वैलेंटाइन। भाई हम सिंगल है और प्राउड सिंगल है, हम प्राउड सिंगल है और इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह सिंगल रहेंगे। नहीं, एक सबसे बड़ा जुमला कि हम इस वक्त एक दूसरे के वैलेंटाइन बने। हाँ, का हारा साहिल पहुंचा है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद का रेलवे स्टेशन है, इस्लामाबाद का जी रेलवे स्टेशन है, और अभी ट्रेन से उतरने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ कितनी सख्त सर्दी होने वाली है। अभी भी उतरे हम लोग और ये देखें हमारे मुँह से धुएं निकल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। रूम की चाबी हमें मिल चुकी है, तो रूम में चलें। जी रूम में चलते हैं। ये सामने हमारा B7 रूम है, ये सामने रूम है हमारा B7, और इसमें ये एंटर होते चाबी मिल चुकी है हमने, और रूम तो ऑन कर लिया है। वैसे कर लिया क्या देख रहे हो, ये बड़ी प्यारी लड़की है और बहुत जबरदस्त डांस भी कर रही है और गाना भी गा रही है। थोड़ी इसी जो है, देख क्या रहे हो मेरे भाई, यार PSL का ये ओपनिंग सेरेमनी है और बड़ा जबरदस्त मैच स्टार्ट होने वाला है। आज पहला मैच है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हम एंड टाइम पे पहुंचे। हमारी किस्मत बड़ी जबरदस्त थी, बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचे, अभी ओपनिंग सेरेमनी चल रही है। अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी भी देखेंगे और साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को अपना रूम भी दिखाएंगे कि कैसा हमें रूम मिला। तो हमें रूम में एंटर होना है, चाबी हमने लगा दी है और हम रूम में एंटर। जी तो PSL चल रहा है साहिल जी। तो गाइज हम पहुंचते ही अपने काम में मसरूफ होने के लिए तैयार हैं, PSL साथ साथ चल रहा है और साहिल मेरे साथ साथ है, पर वो उसका काम करने का कोई मूड है नहीं। ये हमारा रूम है जो हमें अलॉट किया गया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, और साहिल इकड़ी गाल बुझाओ, इस्लामाबाद की सर्दी कराची की सर्दी में फ़र्क छाए? फ़र्क के लिए आए मतलब ही बठे थे, जुकाम वगैरह भी थे, तो नहीं कल रात जो सुनया तो असा जुकाम भी थी हुई बिन के इसी तक होता हूँ नहीं मतलब होते जुकाम लेकर ही नहीं मालूम, हाँ मतलब महसूस कराईंदा। बाकी जो है तो कराची में मतलब इतना वधिक सी कोन होते इतने, मतलब रात आया तो 10 सेंटीग्रेड हुए, बस दुआ क्या माइनस में ना बने। बाकी
रूम मिली वो हॉस्टल मिली वही हाँ अस वन पा मतलब कि शूट क्यों जहाँ सिचुएशन होती स्केजुअल चाहूँ तो वजूँ था रोड ब्लू एरिया जो बिल्कुल शहबाज कमर्शियल वागू लगे तो कराची में जी डिफेंस में शहबाज कमर्शियल सेम टू सेम बार सौ सफ़ा मॉल पे गए थे तो और हमने ये सारी चीज़ें ली हैं जिसमें आउटफिटर्स की कुछ पैंट शर्ट्स हैं और इसके अलावा भगवान की कुछ चीज़ें हैं और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग अभी आए कैफे जंक्शन पे, सॉरी तंदूरी जंक्शन पे और अहमद भाई और दोस्त और भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद पे तो अभी हम लोग चाय पियेंगे कड़क चाय और इस्लामाबाद कड़क तंदूरी चाय कड़क इस्लामाबाद की मशहूर कड़क तंदूरी चाय पियेंगे और ये सारा इन्वायरमेंट आपको दिखाते हैं। जनाब तो ये है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का लोक वर्षा म्यूजियम और मेरे साथ इस पहले वीलॉग में साहिल साथ साथ है और हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। कहाँ पे खड़े हैं हम? अभी हम लोक वर्षा म्यूजियम के बाहर खड़े हैं और इस तरह दो हॉल है, एक रेड हॉल है और एक वाइट हॉल और बाहर यहाँ पे ये बुक स्टॉल्स लगे हुए सारे जितने भी जो मतलब वो है। मौसम कैसा हो रहा है ये बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हो रहा है बस बारिश ना हो और आज तो वैसे भी रात में आप जा नहीं पाओगे, कल का क्या प्लान है? 3 बजे जाएंगे फिर उसके बाद कराची पहुंचते ही जो है सारा सिस्टम करेंगे और क्या करोगे सिस्टम में? सिस्टम में कढ़ाई वढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे? ओए होए कढ़ाई तो मैं खाने से रह जाऊंगा ना। वैसे भाई आप यहाँ इस्लामाबाद में कम खा रहे हो तो भाई सिंध से भी हमारे पास लोग हैं यहाँ पे जिनसे आपको मिलवा नहीं पाए। अब्दुल वाहब हमारे साथ हैं और ये यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? FSC Part 2 में है और इस्लामाबाद में रहते हैं और हमारे साथ इनकी बहुत अच्छी गपशप हो गई और ये साहिल जो है अब पोज मार के बैठा खड़ा हुआ है पर इसको कोई कैमरा कैप्चर करने के लिए तैयार नहीं है। तो मोबाइल से कैप्चर हो रहा है ना, ये इतना काफ़ी है। अच्छा तो ये कैप्चर तो नहीं हो रहा, वीडियो बन रही है, वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे तुम्हारी शेव का क्या हुआ ये बताओ, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? नुकसान है तो ये जो है ना आपने सीन सही नहीं किया, मुझे जो है सिर्फ मसरूफ रखा पूरा टाइम मसरूफ रखा, शेव नहीं कर सका मैं, नहीं तो यहाँ पे एक दो गर्लफ्रेंड सेट हो जानी थी। तो चलो देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होता है और आगे क्या। कराची जाने से पहले शेव करके जाऊंगा, घर वाले कहेंगे जैसे गया था वैसे वापस आया है, कुछ करके तो आ, शेव तो कम से कम करके आता। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे बहुत तंग किया है साहिल ने, ये देखो बात कर रहा है सेल फोन पे और ये पिक्चर्स जो है वो सॉर्ट आउट कर रहा है और इतना तंग किया है मुझे फोन के ऊपर फोन, मेरा दिल कर रहा है इसको मैं। तो गाइज ये है दूसरा दिन और दूसरे दिन की तमाम एक्टिविटी हम आपको दिखा भी रहे हैं और सारे सेशंस कर भी रहे हैं और ये दूसरे दिन पे बहुत शदीद किस्म का थकावट का शिकार है। क्या नहीं, नहीं थकावट नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे सर्दी है तो थोड़ी इस वजह से सुस्ती होती है, बाकी थकावट कोई नहीं है। आधे से ज़्यादा सेशंस हो गए हैं और तकरीबन एंडिंग है प्रोग्राम्स की, तो बाकी आप हमारे पेज पे देख रहे हैं जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डायरी पे। अच्छा इसके अलावा आपने कितने क्लिक्स कैप्चर किए हैं? मतलब खूबसूरत तो मैंने कुछ ही किए हैं, बाकी नॉर्मल ओवरऑल जो है तकरीबन जितने भी सेशन हुए सबके हो गए। कराची जाने का कब इरादा है? कराची भाई आप जाने का दिल कर रहे हैं सच्ची बताओ, ये इतना खूबसूरत महफूज। हाँ जाने का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन बस गर्लफ्रेंड होती साथ तो नहीं जाता, लेकिन अभी अच्छा, जाना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया क्या ये बताओ? यार मैंने उनके लिए जो है ना 3 डायरीज लिए हैं, एक डायरीज का वॉचर है वो लिया है और उसके अलावा एक छोटा सा टेडी बियर लिया है, लेकिन वो मना कर रही है टेडी बियर रखने से, बोले किसको कहूँगी घर वालों क्या बताऊँगी कि किसने दिया है। तो आप हमें मुसलसल देख रहे हैं पर हमें आप देखने के साथ साथ ये कुदरत के नज़ारे भी देखेंगे। ये देखें मेरे पीछे क्या है,
ये पूरा जंगल टाइप एक बना हुआ है और यहाँ पे चाय मिल रही है। ढाबा एक इस्लामाबाद का लोक वर्षा के सामने एक ढाबा बना हुआ है। सामने एक झाड़ियाँ और इस तरह के बड़े बड़े दरख्त हैं। दरख्त के साय में ही ये ढाबा बना हुआ है जहाँ पे चाय मिलती है और हम चाय पीने आए। पर अमेजिंग, और यहाँ का मौसम औसम मौसम है। इस मौसम को मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और मेरे साथ साहिल नहीं है। साहिल मेरे साथ मुसलसल साथ रहा है इस वीलॉग में और यकीनन आपको ये हमारा वीलॉग अच्छा लगेगा। हम चाय की चुस्कियाँ लेने जा रहे हैं अभी। मैं हूँ रावलपिंडी में और साहिल मुझे छोड़ के जा चुका है कराची के लिए। उसकी ट्रेन थी आज 3:40 पर और हम पता नहीं कैसे पहुँचे हैं। इन्होंने हमें पहुँचाए करीम वाले भाई हैं और इनका नाम है अदनान नाम है इनका, और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। अब तो हमारी जर्नी ख़त्म होने को है और ये वीलॉग भी ख़त्म होने को है। कराची से इस्लामाबाद तक का ये खूबसूरत वीलॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा। ये है इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट जो बहुत ही बड़ा बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। वैसे कराची से अच्छा नहीं है। डिपार्चर होगा यहाँ से 9 बजे एग्जैक्टली। फ्लाइट है PA-205 एयर ब्लू का जहाज़ है और जहाज़ में हम उड़ने जा रहे हैं कराची, और कराची वी आर कमिंग। नई दुनिया का जेम्स बॉन्ड मिला है और ये मुस्कुराता हुआ जेम्स बॉन्ड है और इसने मुझे अपनी कहानी पूरी बता दी। ये देखें कितना थका हुआ है बेचारा। अच्छा ये मुझे कह रहे हैं कि मेरे फैन मेरे फैन मेरा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं और जाके फ्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ये वेटिंग एरिया, C5 से मुझे इंटर होना है और फ्लाई करना है।